हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम शर्मा फ्रॉम श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इंदौर। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑन माय टॉपिक ऑडियो एंड वीडियो ऑथेंटिफिकेशन। ऑडियो ऑथेंटिफिकेशन, फॉरेंसिक ऑडियो ऑथेंटिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं उसकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी क्वालिफाई करने का काम इस प्रोसेस के अंदर होता है। ऑडियो ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होती है? पहले हम एविडेंस पर मार्क किया जाता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा, ताकि बाद में वो उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सके। फिर जो हम एविडेंस पर जो हमने मार्क किया है उसका फिजिकल इंस्पेक्शंस होता है। फिर जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनको नोट किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा। फिर डिजिटल डाटा इमेजिंग होती है। फिर उसके बाद हम उस ऑडियो को सुनते हैं कि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह या एनोमलीज वगैरह जनरेट तो नहीं हुए हैं। इसके बाद हाई रिजोल्यूशन जो वेव जो फॉर्म होंगी उनका एनालिसिस होता है, और जो साउंड वेव जो फॉर्म हुई है उनका विजुअल इंस्पेक्शंस होगा। फिर नैरो बैंड स्पेक्ट्रम एनालिसिस होता है। फिर स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस होता है। फिर डिजिटल डाटा एनालिसिस होता है। फिर जो हमारा ऑडियो है उसका एनालिसिस जो हुआ है वो बेस्ड होता है इन्वेस्टिगेशन पर। फिर हम उस पर वर्क करके एक नोट प्रिपेयर करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे फॉरेंसिक रिपोर्ट। इसके बाद आता है हमारा वीडियो ऑथेंटिफिकेशन। वीडियो ऑथेंटिफिकेशन जो प्रोसेस है वो सिमिलर होती है ऑडियो ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस की तरह, पर जो हमारी वीडियो होती है उसमें हम एक्स्ट्रा एडिट वगैरह कर सकते हैं, पर ऑडियो जो हमारा होता है उसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा एडिट वगैरह नहीं करते हैं। जो वीडियो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होता है जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग में इस चीज़ पर गौर करता है कि वीडियो कहाँ पर बनाई, किस जगह और कहाँ पर बनाई गई है और किस इक्विपमेंट के द्वारा बनाई गई है, वो इस चीज़ पर भी फोकस करेगा। फिर वीडियो ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है? तो जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारी होगी उसमें हम सबसे उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं उसकी क्वालिटी पर हम फोकस करते हैं कि अगर हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे तो वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल एंड वर्केबल होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा एविडेंस होगा उस पर हम मार्क करेंगे और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा, और ताकि वो बाद में उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सके। फिर इसका फिजिकल इंस्पेक्शंस होता है एविडेंस का, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को नोट किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा। फिर डिजिटल डाटा इमेजिंग होती है उसकी, फिर उसकी डिजिटल डाटा इमेजिंग होगी। फिर जो हमारा डिजिटल और एनालॉग वीडियो सिग्नल्स जो होते हैं जो रिकॉर्ड है उनको भी एग्जामिन किया जाता है। फिर जो हमारे वेक्टर्स और जो वेव जो फॉर्म हुई है उनका एनालिसिस होता है, वो डिटेक्ट किया जाता है एनोमलीज को। फिर जो हमारी वीडियो जो है उसका एनालिसिस होता है वो बेस्ड रहता है हमारे इन्वेस्टिगेशन पर। फिर हम उस पर वर्क करके एक नोट को प्रिपेयर करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट। इसके बाद वीडियो ऑथेंटिफिकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग में यदि कोई एडिटिंग वगैरह है तो हम उसको रिमूव करके जो हमारी मेन जो वीडियो है उस पर फोकस कर सकते हैं, उसका एग्जामिन कर सकते हैं। थैंक यू।